हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास कल परीक्षा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मैथ्स के महत्वपूर्ण सवाल जिसको आप बहुत कम समय में बल्कि एक दो सेकंड में कैसे आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप बहुत कम समय में एक से दो सेकंड ज़्यादा समय नहीं लगेगा आप देखते इन सवालों को आसानी से बना सकते हो। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको बेसिक तरीके से कैसे बनाया, फिर इसको हम देखेंगे कि कैसे एक एक दो दो सेकंड में बनाया जा सकता है। इस टाइप के जब भी सवाल आए तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस एक्स अपान 144 ये रूट में है इक्वल दिया गया है आपके पास 13 अपान 12 ये दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का वर्ग करते हैं। दोनों साइड का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, आप देख पाओगे कि ये स्क्वायर से आपके रूट खत्म हो गया, तो आप कहोगे कि 1 प्लस एक्स अपान 144 इक्वल 13 का वर्ग हो जाता है 169 और 12 का वर्ग हो जाता है 144। आगे हल करने पर क्या होगा कि 144 के गुणा 1 के साथ करने पर कितना हो जाएगा, तो 144 का गुणा 1 के साथ करने पर हो जाएगा आपके पास 144 प्लस एक्स अपान 144 बराबर आपके पास है 169 अपान 144। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 144 को 144 से काट देंगे तब हमारे पास क्या बच गया, 144 प्लस एक्स बराबर 169। जब 144 को हम उस साइड पक्षांतर करेंगे तो एक्स आप देख पाओगे कि x बराबर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 25। तो आप दोस्तों देखें कि x का मान कितना आ गया आपके पास, x का मान निकला 25। अब इस सवाल को हम देखते हैं कि इतना करने की क्या जरूरत थी इस सवाल पर, यदि हम सिंपल सोचें तो इस सवाल को बहुत कम समय में कैसे बनाएंगे, एक से दो सेकेंड में बिना मिस्टेक के कैसे बनता है। देखो सवाल को दोस्त, इस सवाल को हम यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। ऊपर में जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले, इस टाइप के सवाल को हल करने का तरीका ये रहता है, तो देखो सबसे पहले 12 दिया गया है और 12 का वर्ग दिया गया है कितने, यहां पर 144 दिया गया है। दोस्तों यहां पर प्लस का चिन्ह हो तो आपको क्या करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, क्या कर देना है 13 और 12 कितना हो गया, हम कहेंगे जी 13 और 12 को जोड़ने पर हो गया 25। हो गया दोस्तों, फिर क्या करेंगे, इस 13 और 12 में अंतर कर देंगे, इन दोनों को यदि हम घटाते हैं तो आप बताओ 13 में 12 घटाने पर कितना आ जाएगा, तो 13 में 12 घटाने पर आ जाएगा आपके पास 1 और इन दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 25 का गुणा एक बार करने पर कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। मतलब आप कितना कम समय में इस सवाल को हल कर सकते हो यही देखें। हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल था आपका देखिएगा, नेक्स्ट सवाल को यहां पर दिया गया है 15 का वर्ग कितना दिया गया है, 15 का वर्ग होता है 225। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को एक बार जोड़ देंगे हम, तो बताओ 17 और 15 को जोड़ने पर कितना हो जाता है, तो 17 प्लस 15 को जोड़ने पर हो जाएगा क्या आपके पास 32 होगा। और एक बार यदि हम इन दोनों को अंतर कर दें घटा दें तो आप बताओ 17 में से 15 घटाने पर कितना आ जाएगा आपके पास 2 और 32 का गुणा दो बार करने पर कितना हो जाता है दोस्तों, आप कहोगे जी 64 ना, कितना हो जाएगा 64। तो आपका आंसर एक्स की वैल्यू कितना आ जाने वाला है 64, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल था आपके पास यहां पर देखिएगा ध्यान से, 13 का वर्ग कितना दिया गया है 169 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा तरीका ये है कि इन दोनों को एक बार जोड़ देते हैं, तो 14 और 13 को जोड़ने पर कितना हो जाता है 27 हो जाता है और 14 और 13 में कितने का अंतर हो गया, तो 14 और 13 में अंतर है आपके पास 1 का, जो एक बार जोड़कर
और एक बार घटाकर उन दोनों को जो भी रिजल्ट निकलता है आपका, है ना, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 14 और 13, तो 14 और 13 को जोड़ने पर कितना हो गया 27। उसी प्रकार 14 और 13 में अंतर कितने का हुआ, तो अंतर हो गया 1 का। दोनों को आपस में गुणा करने पर 27 का गुणा 1 के साथ करने पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 27, और यही होता है आपका एज अ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए कि आप बहुत कम समय में, अब जब आप दो चार सवाल करोगे तो आप देख पाओगे कि आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखोगे और सीधा आप आंसर पर टिक लगाना चालू कर दोगे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, यह था आपका नेक्स्ट सवाल। आपका नेक्स्ट सवाल था आपका नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि 1 + x / 289 रूट के अंदर है बराबर, इसका मान यदि 20/17 हो तो x की वैल्यू क्या है। ये दोस्तों हमारा सबसे पहला काम ये रहता है कि क्या 17 का वर्ग दिया गया है यहाँ पर, 289 होता है दोस्तों, 17 का वर्ग 289 होता है। तो हम ये करेंगे कि यदि होता है तो इन दोनों को सबसे पहले एक बार जोड़ देंगे, तो 20 और 17 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, तो 20 और 17 को जोड़ने पर हो जाता है आपके पास कितना 37 हो गया। क्या क्लियर है? अब हम क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इन दोनों में ही अंतर करते हैं, एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटा देते हैं, है ना। जोड़े तो 37 हो गया, 20 में यदि हम 17 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपके पास आ गया, आपके पास 20 में 17 को घटाने पर कितना आ गया 3। जोड़ने पर 37, घटाने पर 3, इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिएगा तो 37 दिया कितना हो जाता है, तो 37 दिया हो जाएगा आपके पास 111, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप बहुत कम समय में इन सवालों को आसानी से हल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए, है ना, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स दोस्तों।